हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शान। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बनाना मिल्कशेक कैसे बनाया जाता है। आप बच्चों को टिफ़िन पे भी दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है और इससे पेट भी अच्छे से भर जाता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हर वीडियो से नोटिफाई हो सकें। यहाँ पर मैंने 3 माउस का इस्तेमाल किया है जिसको कट कर लिया था। 1 कप आइसक्रीम लेंगे और 1 जग दूध लेंगे, 3 टेबलस्पून चीनी। तो मिक्सचर जार में सबसे पहले हम बनानास को डाल लेंगे, यानी माउस को जो हमने पीसेस में कट कर लिया था वो डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून चीनी यानी शुगर। फिर आइसक्रीम डाल देंगे। आइसक्रीम यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है तो आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छे से ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। फिर हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसको पीस लेंगे, फिर बाकी का दूध डाल के ये करेंगे। अब इसको हम पीस के दिखाते हैं। देखें, इसको मैंने पीस लिया है और ये कितना अभी थिक है, थिक फॉर्म है। जो हमने बाकी का दूध रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसको पीस के दिखाते हैं आपको। देखें, हमने दोबारा पीस लिया है और इसका अभी ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे। सबसे पहले हम 1/2 ग्लासेस में भर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और पिस्ता। बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों को आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी इसको दे सकते हैं। इससे पेट भी अच्छे से भर जाता है और हेल्दी भी होता है। दोबारा से हम जो मिल्कशेक बनाया था उसको डाल देंगे और फिर इसको गार्निश करेंगे काजू, बादाम और पिस्ता के साथ। तो हमारा बनाना मिल्कशेक बन के तैयार है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप सबके साथ शेयर करें और मेरे साथ।